कार्रवाई का संबंध है आज की, मुझे उस पर सार्वजनिक तौर पर कोई चर्चा नहीं करनी। हमारे देश के शीर्ष नेतृत्व की ओर से जितनी व्याख्या की गई है उतनी पर्याप्त है, परंतु हम इतने आश्वस्त रहें कि जो हुआ है ठीक हुआ और आगे भी जो होगा बहुत अच्छा होगा। लोगों को काफ़ी खुशी है, लोग ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, लड्डू बांट रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बात उन लोगों की समझ में आए, उन लोगों की आंखें खुलें जो कह रहे हैं कि सब कुछ गलत हो रहा है। और कभी कभी मुझे उनकी बातें सुनकर के ऐसे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी तो हुर्रियत से भी गई गुजरी है। जिन लोगों के आप नाम ले रहे हैं, इनकी जबान लड़खड़ाती है। इनके जितने भी बयान आए हैं पुलवामा के बाद, किसी ने आतंकी को आतंकी नहीं कहा, पाकिस्तान को पाकिस्तान नहीं कहा, हुर्रियत को हुर्रियत नहीं कहा। केवल एक फलसफाना बयान देते हैं कि हिंसा कहीं भी हो तो गलत बात है, बुरी बात है। ये तो पाठ हमें पहली कक्षा में पढ़ाया गया था, या अंग्रेजी में कह देते हैं वायलेंस इज़ बैड इन सिविलाइज सोसाइटी। ये फलसफाना बातें करने का ज़माना नहीं है, दौर नहीं है। खुल के बात करने में किसी ने बात नहीं की। भाजपा पर ये उंगली उठाते हैं क्योंकि इन्हें पता है कि वहाँ से पलटवार नहीं, और ऐसे ही बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए सारा का सारा भाजपा का किया धरा है। हुर्रियत तो बहुत पवित्र है। देखिए एक बात हमें एक 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 बहुत संतोषजनक बात यह है कि विश्व के वो देश जो पहले भारत के आतंक के प्रति दृष्टिकोण से या पाकिस्तान के प्रति दृष्टिकोण से सहमत नहीं थे, अब वो धीरे धीरे भारत की बात को समझने लगे हैं, हमारे दृष्टिकोण को स्वीकार करने लगे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है प्रधानमंत्री मोदी जी की, ह्यूज विंडिकेशन फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी। निश्चित जैसा मैंने कहा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो आगे होगा इससे भी अच्छा होगा।